बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरु सदूक मअल अंबिया वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ो, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो दौर हैं। एक दौर है मक्की दौर और दूसरा दौर है मदनी दौर। मक्की दौर नबूवत के बाद आप अलैहिस्सलाम का 13 साल रहा और मदनी दौर आप अलैहिस्सलाम का 10 साल है। चूँकि आप अलैहिस्सलाम को नबी बनाए जाने के बाद दुनिया के अंदर आप जो रहे हैं वो 23 साल रहे हैं। 13 साल मक्का मुकर्रमा में और 10 साल मदीने मुनव्वरा के अंदर। इस तरीके से गोया कि 23 साल आपकी नबूवत का ज़माना होता है। मक्का मुकर्रमा की ज़िंदगी 13 साल आपकी बड़ी मजलूमी की ज़िंदगी गुजरी और बहुत ज़्यादा आपको ईज़ाएँ व तकलीफ़ें दी गई और इसी तरह मुसलमानों को बड़ी ईज़ाएँ व तकलीफ़ें पहुँचाई गई। यहाँ तक के हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को हिजरत की इजाज़त दी गई कि वो हिजरत करके दूसरे मकाम पर जा सकते हैं, दूसरा वतन बना सकते हैं। चुनांचे कई सहाबा व सहाबियात ने हबशा को भी हिजरत की और उसके बाद फिर मदीना तय्यबा मदीना मुनव्वरा को भी हिजरत की। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत का हुक्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत का इरादा फरमाया। हम सबको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सिफ़ात बड़ी नुमाया हैं जो नबूवत से पहले भी थी और आपको नबी बनाए जाने के बाद भी नुमाया रही। कौन सी 2 सिफ़ात हैं वो? एक है सिद्क़ व सच्चाई और दूसरी है अमानतदारी, कि कभी आप ना झूठ बोलते थे ना झूठ को पसंद करते थे और कभी आप अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ में कोई अमानत में खयानत का मामला कभी नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम को नबी बनाए जाने के बावजूद मक्का मुकर्रमा के बहुत से लोग और औरतें आप अलैहिस्सलाम के पास अपनी अमानतें, अपने रुपया, पैसा, ज़ेवरात और सोना चांदी हुजूर के पास लाकर रखा करते थे। हुजूर के पैगाम को कबूल नहीं करते थे लेकिन समझते थे कि ये इंसान अमानतदार है, ये जहाँ झूठ नहीं बोलता वहीं पर हम कोई चीज़ अगर उनके पास रख दें तो उसमें खियानत भी नहीं करता। चूँकि आप अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ था इसलिए आप अलैहिस्सलाम हिजरत का इरादा फरमा रहे हैं, लेकिन रात के अंदर आप किस किस के घर पे जाकर ये चीजें हवाले करके आते। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिम्मेदारी दी कि अली, मैं हिजरत कर रहा हूं और ये फला फला लोगों की अमानतें, रुपया, पैसा, सोना चांदी मेरे पास है और आज के रात तुम मेरे बिस्तर पर आराम करना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और जब सुबह हो जाएगी तो ये जिसकी अमानतें उसको हवाले कर देना और फिर तुम भी हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आ जाना। चुनांचे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला से एक मर्तबा पूछा गया था कि आपने जिंदगी में कोई ऐसी रात पुरसुकून तरीके से सोई है, जिंदगी की कोई रात आपके सबसे ज्यादा आरामदेह रात हुई है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाया करते थे कि हिजरत से पहले जब नबी अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा रहे थे, जिस रात हुजूर ने मुझे अपने बिस्तर पर सुला दिया था वो मेरी जिंदगी के सबसे आरामदेह रात थी, हुजूर का बिस्तर। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों की अमानतें जिसके थी उनको हवाले करके वो भी मदीने मुनव्वरा आ गए। जितने लोग मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने पाक चले गए थे वो लोग मक्का से कुछ साथ में नहीं ले जा सके, अपना मकान, अपने जायदाद, अपने कारोबार अपना रुपया पैसा कुछ नहीं ले जा सके थे, छुप छुपा कर चले जाते थे, रात में निकल जाते थे ताकि कोई न देखे। देख लेते तो मक्का के लोग रुकावट बनते थे, मुशरिक सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए थे। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो वहां जाने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन हिजरत करके आने वाले सहाबा के हाल पर रहम खाते हुए उन लोगों को तालीम और तलकीन की जो मदीना मुनव्वरा के लोग थे, जिनको अंसार कहा जाता है। मक्का से जाने वालों को मुहाजिर और मदीना के रहने वालों को अंसार कहा जाता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मक्का से आने वाले, ए मदीना के रहने वालों, मक्का से आने वाले ये लोग तुम्हारे भाई हैं, तुम इनकी जरूरतों का ख्याल रखो, इनके मुआविन बनो, इनके हमदर्द बनो। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का से आने वाले हर सहाबी के साथ में मदीना के एक सहाबी के साथ में मुआखात करा दी थी। मुआखात किसे कहा जाता है? मुआखात का मतलब यह कि भाई बना देना, हर एक को दूसरे के साथ में जोड़ दिया कि देखो तुम मदीना के रहने वाले हो, तुम्हें खेती बाड़ी है, तुम्हें खजूर के बागात हैं, तुम्हारे तिजारत के कारोबार हैं और तुम्हें मकान है, लिहाजा तुम अपने बागात में हिस्सेदारी बन देना, अपने मकान में हिस्सेदारी देना, कारोबार में हिस्सेदारी देना, हर तरीके से उनका साथ देना। चुनांचे हुजूर का हुक्म था, हुजूर की तालीम थी, इसलिए मदीना के लोग इसके लिए तैयार हो गए खुशी खुशी। और जैसे तैयार हो गए थे उसी तरीके से इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से मदीना के लोगों ने निभाया भी। एक सहाबी हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े मालदार थे, बल्कि जुमरे सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार थे। जब इनके भाई बनाने का नंबर आया, इनका हम पल्ला होना चाहिए था, किसको भाई बनाया जाए, किसके साथ इनकी दोस्ती की जाए, कि इनके साथ इनके मुआखात की जाए। तो मदीना मुनव्वरा के भी एक बहुत बड़े सहाबी थे अंसारी, जिनका नाम साद इब्न रबी था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनको खड़ा किया और कहा कि साद इब्न अबी रबी, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, ये आज से तुम्हारे भाई हैं, इनकी जरूरतों का ख्याल करो, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां पर आए हुए, इनके मुआविन बनो, इनके मददगार बनो, इनके लिए सहारा बनो। वो खड़े हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं। फरमाया कि ले जाओ, वो घर लेकर चले जाओ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका नाम जमाने जाहिलियत में भी इस्लाम नहीं आया था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नबी नहीं बनाया गया था, तो वो जमाना जमाने जाहिलियत कहलाता है। जमाने जाहिलियत में इनका नाम जो इनके माँ बाप ने रखा था, अब्दुल काबा रखा था। अब्दुल काबा का मतलब काबे का बंदा, ये रखा था। लेकिन जब ये इस्लाम में दाखिल हुए हजरत अब्दुर्रहमान, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल काबा उनका नाम बदलकर अब्दुर्रहमान इब्न औफ नाम उनका रखा। बड़ा प्यारा नाम है ये। तो उनको अब्दुर्रहमान इब्न औफ को साद इब्न अबी रबी के हवाले किया कि इनको ले जाओ घर। चुनांचे वो अंसारी साहबी इनको लेकर अपने घर गए और कहा कि ये मेरा मकान है, इसमें आप मेरे हिस्सेदार हैं, मेरे दो बागात हैं, एक बाग आपके हवाले, एक बाग मैं रखे लेता हूं, और मेरी दो बीवियां हैं। चूंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला कहा कि मेरी दो बीवियां हैं, आप देख लीजिए, और जिस बीवी के ताल्लुक से आप इशारा फरमा दे कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं उसे तलाक दे देता हूं, और इद्दत गुजरने के बाद यानी कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उससे दूसरा निकाह करने के लिए 3 महीने का पीरियड गुजरना पड़ता है, जिसे इद्दत कहा जाता है। इधर आज तलाक दे दी गई, कल उधर कोई दूसरा शादी नहीं कर सकता। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला कहा कि मैं उस बीवी को तलाक देता हूं जिसको आप पसंद कर लें, और 3 महीने इद्दत गुजरने के बाद आप उससे शादी कर लें। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया अपने भाई को, अंसारी भाई को, जिनके साथ हुजूर ने इनकी मुआखात करा दी थी, जिनको भाई बना दिया था कि वो इनके साथ हर चीज में शरीक रहेंगे, जब घर ले गए उन्हें बाग का, मकान का, कारोबार का, हत्ता की बीवी की पेशकश की, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया देखिए। आज हमारे नौजवानों के लिए बड़ी इसमें इबरत है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला ने कहा कि भाई साद इब्न अबी रबी, बारकल्लाहु लका बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका, अल्लाह तुम्हारे जरिए तुम्हारे बीवी में बरकत दे और तुम्हारे माल में तुम्हारे अल्लाह पाक बरकतें आता फरमाए। ना मुझे तुम्हारे बाप की जरूरत है और ना मुझे तुम्हारी बीवी की जरूरत है, बल्कि मुझे तो बाजार का रास्ता बताओ। क्या कहा? मुझे तो बाजार का रास्ता बताओ। चुनांचे हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को सूक़ बनो कैनका का बाजार का रास्ता बतलाया और वहां जाकर बतला कि देखिए ये बाजार है, ये यहूदियों की दुकानें हैं और यहां पर बड़े साजो सामान बिकते हैं और खरीदे भी जाते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो यहां कारोबार कर लें। चुनांचे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूक़े बनो कैनका में गए और वहां जाने के बाद एक दुकान से जहां उनको मालूम होता कि यहां कुछ कम पैसे से माल मिल रहा है, खरीद लेते और दूसरे बाजार में जाकर दूसरी दुकानों पर जाकर कुछ नफे पर वो सामान बेच दिया करते। और कोई चीज उधर के दुकान पर सस्ती नजर आती तो वहां से सस्ती खरीद कर लाते और इधर की दुकानों पर कुछ नफे के साथ बेच दिया करते। यहां तक कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ घी और पनीर इनके पास बच गया। हफ्ता अशरे के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर इनके पास एक अच्छी रकम जमा हो गई और 10 से 15 दिन के अंदर उन्होंने एक अंसारी खातून से निकाह किया और उस औरत को कपड़े भी दिए और उसके लिए मकान का इंतजाम भी किया और उसके लिए महर की इंतजाम भी किया। ठीक है, हदीस मुबारका के अंदर जो है 10 दिन के अल्फाज आए हैं कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर इतना कमाया उन्होंने, यहां तक कि अपने ऊपर भी खर्च किया और शादी भी कर ली उन्होंने। तो इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि हम शादी कर रहे हो तो अपने होने वाली बीवी को अपने कपड़े पहनाकर लाएं, यह नहीं कि बीवी के बाप से भीख मांगकर कपड़े अपने बदन पर शादी के दिन पहने। यह बड़ा बुरा रिवाज और बड़ी रस्में बद आज हमारे मुआशरे के आम होती चली जा रही है। बल्कि बातचीत का जो मरहला आता है उस मौके पर बच्ची के बाप को, लड़की के बाप को मजबूर किया जाता है कि इतना इतना सोना वो अपने बेटी के बदन पर डाले। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बहू है, तुम जितने चाहे सोने और चांदी के जेवरात अपने बहू और बीवी के बदन पर डालो, लड़की के बाप की जिम्मेदारी नहीं है। और खुद अगर लड़की का बाप अपने बेटी को जेवरात देता है तो उसका एहसान है, लेकिन लड़की के बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको जेवरात पहनाए और उसके लिए सारे कपड़ों का इंतजाम करें, बल्कि शोहर की जिम्मेदारी है, ससुराल वालों की जिम्मेदारी है कि अपनी होने वाली बीवी और अपने घर आने वाली बहू को कपड़ों का इंतजाम करके अपने कपड़ों में अपने जेवरात पहनाकर अपने घर लाए और अपने घर के अंदर उसके लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन सारे चीजों का इंतजाम खुद से कर ले, ये नहीं कि लड़की का बाप करे। और बुरे रस्म और रिवाजात की वजह से आज शादी ब्याह दिन ब दिन महंगी नहीं बल्कि मुश्किल होती चली जा रही है और गरीबों की बच्चियां बरसा बरस अपने घरों के अंदर बैठी जिंदगी के दिन काट रही हैं कि न जाने कब वो दिन आते हैं कि जिस दिन हम भी खुश हों और हमारे भी हाथ पीले हों और हम भी इस दिवाजी जिंदगी गुजारें। अल्लाह पाक ने जिन लोगों को लड़के अता फरमाए हैं, लड़का अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है तो इस नेमत की कदरदानी करना चाहिए, लेकिन कभी किसी लड़की वालों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत मुबारका हमें यह सबक देती है। बहुत खूब कहा था कि रियासत मैसूर के सबसे पहले फरमान रवा और हमारे मुल्क के सबसे पहले मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, इसलिए कि गीदड़ दूसरों का किया हुआ छोड़ा हुआ शिकार खाता है और शेर खुद शिकार करके खाता है। इसलिए दोस्तों, अजीज नौजवान, ऐसा हौसला रखिए, ऐसी हिम्मत रखिए कि हम दूसरों के लिए कुव्वत बाजू बनेंगे, दूसरों के लिए हम सहारा बनेंगे, दूसरों के लिए हम मुआविन बनेंगे, ये नहीं कि दूसरों के ऊपर एतमाद करके बैठेंगे और दूसरों के दौलत के ऊपर ललचाई निगाहें डालेंगे। ये बड़ी बेशर्मी की बात है। बहरहाल हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला ने 10 से 15 दिन इतना कमाया कि शादी भी कर ली और अपने बीवी को कपड़े भी दिए और उस बीवी के लिए महर का इंतजाम सोने की शक्ल में किया, नए कपड़े पहनकर, बहरहाल साफ सुथरे कपड़े पहनकर जिसमें खुशबू महक रही थी। हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं और इंतहाई खुशबूदार कपड़े और मुअत्तर जिस्म को देखकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही पूछते हैं कि अब्दुर्रहमान क्या किस्सा है। बाज़ रिवायात में है कि हुजूर ने हजरत अब्दुर्रहमान नौशा के बदन के ऊपर कुछ खुशबू के धब्बे महसूस किए, तो उन धब्बों को देखकर या खुशबुओं को देखकर आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुर्रहमान से पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या किस्सा है, क्या माजरा है। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला अंसारी खातून से मैंने शादी कर ली है और मैंने खुशबू का इस्तेमाल किया था जिसका यह दाग और धब्बा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मुबारकबादी दी। अगर हमें अपने किसी दोस्त की शादी के ताल्लुक से, रिश्तेदार के ताल्लुक से, शादी के ताल्लुक से, किसी के भी शादी के ताल्लुक से इत्तला मिले और हमारे उसके साथ पुराने ताल्लुकात हैं और उसने किसी वजह से अपने शादी में न बुलाया हो या बुलाना आपको मुझे मुनासिब न समझा हो या वो अपना प्रोग्राम शादी का मुख्तसर करना चाहता हो, कुछ दिनों के बाद हमारी अगर मुलाकात हो जाए तो हमें नाराजगी जाहिर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि फौरन मुबारकबादी दें, ताल्लुक का इजहार करें, लेकिन नाराजगी जताने का इजहार यह सीरत मुबारक इजाजत नहीं देती। आज जितनी हुजूर की मस्जिद नबवी है, हुजूर के मुबारक जमाने में शहर मदीना उतना शहर मदीना था। चाहते तो हुजूर को बुला लेते थे। हजरत साहबा की पहली चाहत यह हुआ करती थी नींद से बेदार होने के बाद कि हमारी पहली नजरें आकाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़े, पहली चाहत यह हुआ करती थी। लेकिन शादी जैसे मुबारक खुशी के मौके पर साहबा भी जरूरी नहीं समझते थे, न दीन में जरूरी है कि हुजूर भी हमारी शादी में शरीक रहे। हम कितना जरूरी समझते हैं। हफ्तों पहले लिस्टें तैयार होती हैं, फहरिस्त बनती है कि महल्ले का कोई बड़ा मालदार सियासी समाजी आदमी हमारे शादी में छूटने ना पाए, कोई रिश्तेदार छूटने ना पाए, कोई दोस्त छूटने ना पाए। कोई जरूरी नहीं है। ऐन शादी के मौके जितने लोगों के नाम याद आ जाए, जो छूट गए छूटने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल जब हुजूर को इत्तला हुई तो आपने ये नहीं पूछा हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अब्दुर्रहमान शादी कर लिए, मुझे भी भूल गए आप। नहीं, बल्कि सबसे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुर्रहमान को मुबारकबादी दी और मुबारकबादी देने के साथ में आपने दूसरे तालीम दी, हुक्म दिया, शरई हुक्म आपने बतलाया। क्या दिया? औलिम वलो भी शातिम, अब्दुर्रहमान ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुमने शादी कर ली है, चलो अब वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही जुबा करके क्यों ना हो। आपने ये नहीं बनाया कि शादी कर लिए, कम से कम खाने में तो मुझे बुलाते। आज हम खाना जरूरी समझते ना, अगद में शिरकत जरूरी नहीं समझते, खाने में बराबर शरीक रहेंगे, चाहे रात के 12 क्यों नहीं बज जाते, अगद में शिरकत है। मुबारकबादी असल चीज है। इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम के जो दुआएं मसनून हैं, उन दुआओं के अंदर एक दुआ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मशहूर और मारूफ है कि जब नौशा से हमारी मुलाकात हो, चाहे वलीमा का नौशा हो, चाहे अगद का नौशा हो, तो इस तरीके से मुबारकबादी देना चाहिए। बारकल्लाहु लका व बारक अलैकुमा व जमा बैनकुमा व जमा बैनहुमा फी खैर। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे, अल्लाह पाक तुम दोनों को मुबारक करे और अल्लाह पाक तुम दोनों की मुलाकात खैर खूबी से करा दे। कितनी प्यारी दुआ है ये। मसनून अल्फाज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुबाने मुबारक से निकले हुए हमें याद होने चाहिए और इस तरीके से आगत की मजलिस में शरीक होकर नौशा को मुबारकबादी देना चाहिए। लेकिन आज हम ये हैं कि हर एक को, नौशा हो, नौशा का बाप हो, खानदान के लोग हो, सभी को मुबारक मुबारक कह के मुबारकबादी देते हैं। मसनून तरीका मुबारकबादी देने के शादी के मौके पर यह है, बारकल्लाहु लका व बारका अलैकुमा व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे नौशा मियाँ, अल्लाह पाक तुम दोनों को मुबारक करे, यानी नौशा व दुल्हन, और अल्लाह पाक तुम दोनों की मुलाकात और तुम दोनों का इज्तिमा अल्लाह पाक खैर खूबी से करा दे। इस तरीके से दुआएं लेना चाहिए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या तालीम दी? निकाह के बाद सबसे पहला मरहला वलीमा का होता है। आपने फरमाया औलिम वलो भी शातिन, अब्दुर्रहमान वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही जुबा करके क्यों ना हो। चुनांचे 10 दिन में इतनी गुंजाइश पैदा हो गई थी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक कि हुजूर के पास से जाकर फौरन एक बकरी जुबा करके उन्होंने वलीमा भी कर दिया, लेकिन किसी के ऊपर सहारा बनकर नहीं रहे। हालांकि हुजूर ने हजरत साद का तो उनको भाई बना दिया था, चाहते तो घर में रहते, हिस्सा पाते, और जायजा तो कारोबार में बागात में हिस्सा पाते। कौन पूछने वाला था? आका का हुक्म था। लेकिन आपने किसी और के लिए और किसी और के सहारे पर जीना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि आपने फरमाया कुछ बाजार का रास्ता बताया जाए। तो ये मिजाज होना चाहिए। दोस्तों और बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, आज हमारे बच्चे और नौजवान बड़े आइडी हो गए हैं, माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं। उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल तक की उम्र हो रही है, लेकिन कोई कारोबार करने को तैयार नहीं है, मेहनत मशक्कत करने को तैयार नहीं, पसीना बहाने को तैयार नहीं है, बल्कि मेहनत मशक्कत करने को आयब समझ रही है, क्योंकि कुछ पढ़ लिख लिए है ना। हालांकि मेहनत मजदूरी करना, मशक्कत करना, खून पसीना बहाना कोई आयब की बात नहीं है, बल्कि कमाल की बात है। और हालांकि माँ बाप इस इंतजार में है कि बेटे तू कुछ कमा लेगा तो कुछ तेरे शादी का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन वो नौजवान, वो लाल ये चाहता है कि बस मैं काउंटर पर बैठकर बस खाली नोट गिनूंगा, बस इसी के इंतजार में है। जब तक पहले पसीना नहीं बहाएगा, मेहनत नहीं करेगा, ना काउंटर नसीब हो सकता है, ना नोट नसीब हो सकती है। हजरत अब्दुर्रहमान को कितना अच्छा चांस था, कितना अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने इसको गवारा नहीं किया, बल्कि पसीना बहाना और मेहनत करना और मजदूरी करना और बाजार में जाना और तिजारत करना उन्हें मुनासिब समझा, और उनके ऊपर सहारा करने के बजाय खुद बाजार में जाकर तिजारत की। इसी वजह से हदीस मुबारका में है कि अल्लाह तबारक व ताला ने रिस्क के 10 हिस्से किए हैं, रिस्क के 10 हिस्से किए हैं, और 10 में से 9 हिस्से अल्लाह तबारक व ताला ने तिजारत में रखे हैं। 9 हिस्से रिस्क हमारा तिजारत में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। हम करें तो सही तिजारत, छोटी तिजारत से हम आगाज करें। अगर हमारे जुबान में सच्चाई हो और हमारे पास अमानतदारी हो और हम किसी को धोखा ना दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर छोटे कारोबार से अल्लाह पाक वो मकाम भी अता फरमाएंगे कि हम काउंटर पर बैठकर सिर्फ नोट ही कमाएंगे और लोग हमारे सामने काम करते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन शुरुआत नीचे से करना पड़ती है, ऊपर से नहीं होती शुरुआत। आपको मंजिल पर अगर चढ़ना है तो डायरेक्ट ऊपर की सीढ़ी पर आप चढ़ नहीं सकते, पैर रख नहीं सकते, आपको तो पैर नीचे की सीढ़ी पर पैर रखना ही पड़ेगा। माली एतबार से, कारोबार के एतबार से, तिजारत के एतबार से अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, पसीना बहाना ही पड़ेगा, नीचे से ही ऊपर आपको आना पड़ेगा। तो बहरहाल हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला से हुजूर ने यह भी पूछा था कि महर में क्या दिया है, तो रिवायात में है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने फला अंसारी खातून से शादी की है और एक खजूर के बराबर, और एक रिवायत में, बुखारी शरीफ की रिवायत में, कि एक खजूर के गुठली के बराबर सोना मैंने महर में दिया है, यानी इतना सोना भी उनके पास 10 से 15 दिन में जमा हो गया था। नीयत तो हमारी साफ हो, कोशिश तो हम करें, मैदान में उतरे तो सही हम। बहरहाल हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमरे सहाबा के उस मखसूस जुमरे में इनका शुमार होता है जिस जुमरे को आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। जानते हैं अब क्या कहा जाता है उस जुमरे को? उस जुमरे को कहा जाता आशरे मुबशरा, आशरे मुबशरा, यानी वो 10 लोग जिनको हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी जिंदगी ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, उन 10 में एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी। अल्लाह पाक ने बड़ा माल अता फरमाया था, हुजूर ने उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई थी। और एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से उनके सर पर अमामा भी बांधा था, उनके सर पर अमामा भी हुजूर ने बांधा था। लेकिन इल्मी एतबार से बड़ा ऊंचा मकाम था। सहाबा में जो उलमा का दर्जा रखते थे उन उलमा सहाबा में इनका शुमार होता था। बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार और बड़ा खौफ खुदा अपने दिल में रखने वाले बड़े बहादुर उनके साहबी थे ये। और अल्लाह ताला जो माल की शक्ल में उन्हें दौलत अता फरमाई थी, अपना माल, अपना रुपया उन्होंने हर जगह लगाया है। हुजूर के इशारे पर हर जगह उन्होंने माल लगाया। अल्लाह के रास्ते में भी 9 साल में देखिए कितना उन्होंने कमाया था। इससे अंदाजा लगाइए कि हिजरत करके मदीने मुनव्वरा गए सन 9 हिजरी में, यानी हुजूर मदीने मुनव्वरा हिजरत करने के 90 साल जंगे तबूक का वाकया पेश आया। गर्मी का जमाना था, बड़ी कसमपोशी का आलम था और बड़ा लश्कर रवाना करना था हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को, लेकिन बाजार कोई इंतजाम नहीं था। उस मौके पर कसमपोशी के आलम में सबसे बड़ा ताबून अगर किसी का रहा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रहा है। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ताऊन अगर किसी का रहा तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। कितना था मालूम है? दूसरे नंबर पर ताऊन हजरत अब्दुर्रहमान का जो ताऊन था, हदीस में लिखा गया है कि 300 घोड़े माँ जंगी साजो सामान के हुजूर के हवाले कर दिए। 300 घोड़े माँ जंगी साजो सामान के मस्जिद नबवी के सामने लाकर खड़े कर दिया। रसूल अल्लाह, ये मेरा हदिया और मेरा अतिया आपके सामने हाजिर है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ढेर सारी बरकत की दुआएं उन्हें अता फरमाई। तो आप अलैहिस्सलाम अपने उम्र के आखिरी दिनों में अपने अजवाज से या गालिबन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने फरमाया था कि मेरे बाद तुम्हारे नानो नफ्ते का क्या होगा। नान नफ्ते में 3 चीजें आती हैं, एक मकान, दूसरे खाना और तीसरे कपड़ा। ये 3 चीजें अपने बीवी को देना हर शोहर की जिम्मेदारी है। उसको फर्ज समझा जाए कि बीवी को रहने के लिए मकान दिया जाए, खाने के लिए खाना दिया जाए और पहनने के लिए कपड़ों का इंतजाम किया जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अज़वाज के सामने इस बात का जिक्र किया, मेरे बाद क्या होगा। ये बात बहरहाल आई गई, खत्म हो गई। इसके इत्तला के हुजूर ने अपने बीवियों के सामने बात रखी थी, इसकी खबर किसी तरीके से हजरत अब्दुर्रहमान तक पहुंच गई। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और आने के बाद अपना एक बड़ा खजूरों का बाग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों के हवाले कर देते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। जब तक अज़वाज मुतहरा जिंदा रही उन्हीं बागात के जरिए से इतना ज्यादा खजूर आ जाया करते थे और इतना पैसा आ जाया करता था उन्हीं बागात के जरिए से कि सारे अज़वाज मुतहरा जिंदगी भर उसी पर उनका गुजर बसर हुआ करता था। उसी में से सदका व खैरात किया करते थे और उन्हीं पैसों से हज व उमरा किया करती थी। एक मरतबा हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ एक बाग में तशरीफ ले गए और अचानक आप अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और बड़ा लंबा सजदा किया। आप अलैहिस्सलाम बड़ा लंबा सजदा। हजरत अब्दुर्रहमान को फिक्र हो गई कि इतना लंबा हुजूर के करने की आदत तो नहीं है, लेकिन हुजूर इतना लंबा सजदा, बिल्कुल खामोश, कोई हरकत नहीं। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए, कहीं हुजूर की रूह तो कब्ज नहीं हो गई सजदे में। अब रोने लगे जोर जोर से, हाय हुजूर के बगैर मैं कैसा जिंदा रह सकूंगा, हुजूर के देखे बगैर मेरी सांसें कैसे चली। रोने लगे जोर जोर से, यहां तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से फारिग हुए। और सजदे से फारिग होने के बाद साहबी रसूल अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि क्या बात पेश आ गई थी, क्यों तो जोर जोर से रो रहे थे। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो लंबा सजदा किया, मुझे डर होगा कि आपको रूह कब्ज नहीं होगा, इसलिए मैं रोने लगा। अब्दुर्रहमान, मैंने इसलिए लंबा सजदा किया कि आज अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मेरे ऊपर एक पैगाम आया है, उस पैगाम के शुक्राने में मैंने लंबा सजदा किया है। क्या पैगाम था? वह पैगाम यह था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि जो मेरा उम्मती, हम सब उस उम्मत में शामिल हैं हुजूर की, जो भी मेरा उम्मती एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाते हैं, 10 नेकियां अता फरमाते हैं। इतना बड़ा पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से आया था, उसके इस पैगाम के शुक्राने ने मैंने लंबा सजदा किया है। देखा आपने, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम कसरत के साथ रोजाना दरूद शरीफ पढ़ने का अपना मामूल रखें, या सुबह फजर के नमाज के बाद और शाम में किसी मौके पर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल रखें। एक दूसरे हदीस शरीफ में है कि एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, और इंशाल्लाह 10 दर्जे जन्नत में हमारे बुलंद होंगे। अपना माल हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जगह लगाया है। इतने माल के बावजूद सफ़े अव्वल में हुजूर के पीछे जब तक थे, और हुजूर के बाद जो भी इमाम रहा मस्जिद नबवी का, हुजूर के पीछे बिल्कुल नमाज, यानी कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। आज जो जितना मालदार है उतना नमाज से दूर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।